लगभग 200 भारतीयों को लेकर केरल से 12 जनवरी को निकली बोट समुद्र में कहीं लापता हो गई है। बताया जा रहा है कि ये बोट गैरकानूनी तरीके से इन लोगों को लेकर न्यूजीलैंड जा रही थी। उधर न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर ये लोग न्यूजीलैंड पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केरल के मुनाम्बम हार्बर से लगभग 200 लोगों को गैरकानूनी तरीके से लेकर निकली बोट समुद्र में कहीं लापता हो गई है। ये बोट इन लोगों को लेकर 12 जनवरी को निकली थी। पुलिस को ये गैरकानूनी इमिग्रेशन का मामला लगता है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार शख्स ने पुलिस को बताया कि मछुआरों वाली ये बोट लगभग 200 भारतीयों को लेकर न्यूजीलैंड के लिए निकली है। पुलिस अब उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो इस बोट में सवार नहीं हो पाए। आशंका जताई जा रही है कि ये बोट समुद्र में कहीं खो गई है। केरल से न्यूजीलैंड का सफर लगभग 11,000 किलोमीटर लंबा है और रास्ते में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का रास्ता बेहद खतरनाक है। यहाँ अक्सर तूफान आते रहते हैं। पुलिस का कहना है कि बोट इतनी खचाखच भरी थी कि ओवरलोड होने की वजह से कई मुसाफिरों ने अपने बैग पोर्ट पर ही छोड़ दिए। पुलिस को मिले इन 70 बैग्स में से ड्राई फ्रूट, कपड़े और अन्य कागजात मिले हैं। उधर न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर ये बोट उनके देश पहुंची तो उस पर सवार सभी लोगों को इमिग्रेशन एक्ट 2009 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बोट में सवार सभी 200 लोग तमिलनाडु और दिल्ली के रहने वाले हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इसरार अहमद शेख, गो न्यूज़।